हाय, मैं एक एक्शन वेस्टर्न मिथक को समझाने जा रहा हूँ। फिल्म जिसे प्रिजनर्स ऑफ द घोस्ट लैंड कहा जाता है। फिल्म ब्लू फ्लेयर नेशनल बैंक से शुरू होती है, जहाँ एक बच्चा गंबल मशीन के सामने खड़ा होता है। मशीन तभी दो लुटेरे हीरो और उसका साथी साइको अंदर घुसते हैं। अफरा तफरी मच जाती है जब वे अपने हथियारों को ग्राहकों की तरफ तानते हैं और उन्हें बैठने का आदेश देते हैं। जगह हीरो फिर आगे बढ़ता है और कैशियर से पैसे की मांग करता है, जिस पर वह शिकायत करती है। इस सब के होते हुए भी गंबल मशीन पर बच्चा बिना किसी डर के मनोवैज्ञानिक को कैंडी ऑफर करता है। हालांकि वह बच्चे पर बंदूक तानता है और यह दृश्य अचानक समाप्त होता है। कहानी फिर समुराई टाउन की ओर बढ़ती है, जिसे एक भ्रष्ट गवर्नर द्वारा उसने आधुनिक और पूर्व आधुनिक जापानी समाज के तत्वों को पुराने अमेरिकी पश्चिम के पहलुओं के साथ रचनात्मक रूप से मिश्रित किया है और एक अद्वितीय लेकिन दमनकारी शहर। पारंपरिक जापानी कपड़े पहनने वाली गीशा जैसी महिलाएं, समुराई और पश्चिमी काउबॉय अपने दैनिक कामकाज में व्यस्त रहते हैं। यह खुलासा हुआ है कि राज्यपाल ने गोद ली हुई पोतियों का एक समूह रखा हुआ है, जिन्हें उन्होंने गोद लिया है। ढेर में सेक्स गुलाम की तरह बंधे हुए हैं। उनमें से एक सुजी, जो गार्ड की चौकस निगाह के नीचे राहगीरों से बात करने की कोशिश कर रही है। यह गार्ड गवर्नर का सबसे वफादार समुराई अंगरक्षक यासुजीरो है। जैसे ही वह एक गीशा के घर में प्रवेश करता है, सुसी सीटी बजाती है और अपने दोस्तों को सचेत करती है। तभी बर्नाडेट डेनिस, राज्यपाल की एक और पोती, अपनी दोस्तों स्टेला और नैन्सी के साथ आती है। सुजी उन्हें सकारात्मक संकेत देती है और बर्निस और उसके दोस्त छोड़ देते हैं। गाड़ी उन्हें मिल जाने पर राहत महसूस हुई, शिकायत से मुक्त। फिर दृश्य कटता है और बर्निस को भ्रमित होकर जागते हुए और कार की सवारी याद करते हुए दिखाता है। उसे एहसास होता है कि वह फंस गई है। अजीब जगह, ज्यादातर कचरे से भरी और कई पुतलों से भरी हुई। फिर वह एक साइनबोर्ड देखने और कुछ डरावने लोगों से मिलने को याद करती है। बर्निस लाचार होकर मदद की गुहार लगाती है, चिल्लाते हुए कहती है कि वह अगले सीजन में फिर से कैद नहीं होना चाहती। हम समुराई शहर ले जाए जाते हैं, जहां एक त्योहार पूरे जोर शोर से चल रहा है। झूला, बच्चे खुशी से खेलते हैं जबकि हीरो को देखते हैं, जो बंधा हुआ है और पहरे में है। थोड़ी देर बाद राज्यपाल अपने सबसे वफादार अंगरक्षकों और सैनिकों के साथ आता है। के सामने राज्यपाल उसकी बहादुरी की सराहना करता है, पहले की बैंक डकैती का जिक्र करते हुए, जहां कई निर्दोष माता पिता और बच्चों की हत्या कर दी गई। उसे विस्फोटक चार्ज से लैस एक बॉडी सूट देता है और उसे अपनी भागी हुई पोती बर्नाडेट को वापस लाने का आदेश करता है। जब हीरो सूट पहनता है, राज्यपाल उसका मिशन समझाते हैं। उसे एक बंजर बस्ती में जाना है, जहां एक समूह जिसे घोस्ट्स के नाम से जाना जाता है। यह पता चलता है कि समुराई टाउन के बाहर एक बंजर भूमि है, जिसे घोस्ट लैंड कहा जाता है, जो आधे पागल बहिष्कृतों और खलनायकों द्वारा बसी हुई है। गवर्नर एक फोटो निकालता है और उसे एक सूटकेस को बंद करने का निर्देश देता है। जब हीरो इसे बंद करता है, सूट में एक उपकरण सक्रिय हो जाता है। गवर्नर यह प्रकट करता है कि सूट में कई विस्फोटक हैं, जो अगर वह दुर्व्यवहार करता है तो विस्फोट हो जाएंगे। बर्निस सूट के साथ छेड़छाड़ करती है या उसे 5 के भीतर बचाने में विफल रहती है, लेकिन अगर वह उसे सफलतापूर्वक वापस लाता है तो गवर्नर बम को निष्क्रिय कर देगा। कोई चुनाव न होने पर हीरो मिशन के लिए सहमत हो जाता है और भूतलैंड की ओर जाने वाले हाईवे की ओर बढ़ता है। वह जल्द ही एक साइनबोर्ड देखता है, वही जो बर्निस और उसके दोस्तों ने पहले देखा था। थोड़ी देर बाद हीरो को एक रहस्यमय बस और एक समूह द्वारा रोका जाता है। म्यूटेंट तनाव और फटे हुए कारागार इकाई ड्राइवर, जिसका चेहरा बुरी तरह जल गया है, उसे एक तेज रोशनी से अंधा कर देता है, जिससे वह एक चट्टान से टकरा जाता है। प्रभाव से हीरो का हाथ घायल हो जाता है और अंततः वह बेहोश हो जाता है। चेतन एक स्वप्न जैसी स्थिति में, उसे याद आता है कि वह शहर के एक त्योहार में शामिल हुआ था, जहां वह गम मशीन बच्चे को देखता है और अजीब मास्क पहनने वाले लोग। जब हीरो जागता है तो वह खुद को भूत में पाता है। उसे राइट्समैन नामक समूह द्वारा पकड़ा जाता है, जो क्षेत्र को साफ करता है। सक्षेत्र वे उसे बांधते हैं और जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हीरो एक घायल लड़की को देखता है, जिसे भी पकड़ लिया गया है, और पूछता है कि क्या वह बर्निस है। वह दृढ़ता से ना कहती है और बताती है कि बर्निस उसकी दोस्त है। वे फिर पंथ जैसी जगह पर पहुंचते हैं, चारों ओर खंडहर, कचरा और एक लंबी घड़ी मीनार से घिरी हुई। निवासी संदिग्ध पोशाकों और प्रैंक में लिपटे हुए प्रॉप्स उत्सुकता से दो अजनबियों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक रहस्यमयी महिला तब हीरो की मोटी की जांच करती है, लाल खून, और घोषणा करता है कि वह उन्हें सभी को उनकी कैद से मुक्त करेगा। दूसरे शब्दों में, वे जानते हैं कि वह चुना हुआ है, क्योंकि वह टिक करता है। हीरो के खुद को मुक्त करने के बाद हर कोई उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। क्षेत्र का नेता एनोच अपने सेटअप से उभरता है और हीरो को बताता है कि यहाँ से कभी कोई सफलतापूर्वक नहीं निकला। जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें भूत मार देते हैं और वे भूत का हिस्सा बन जाते हैं। सेना
एनोक फिर हीरो से पूछता है कि वह क्यों आया है और वह बताता है कि वह एक लड़की की तलाश में है। जब वे बर्न्स की फोटो देखते हैं तो एक लड़का दावा करता है कि उसने उसे आदमी के अंदर छिपते हुए देखा है। अनाकिन का नायक उस स्थान पर जाता है और अंततः बर्न्स को ढूंढता है, लेकिन वह उसे जवाब नहीं देती। पता चलता है कि वह कार दुर्घटना के दर्दनाक अनुभव के कारण अर्धकोमाटोज स्थिति में है। एनोक समझाता है कि भूत लड़कियों को मारना और उन्हें दूर ले जाना आम बात है, इसीलिए वे उन्हें हवेली के अंदर छिपाते रहे हैं। अनाकिन का हीरो खुलासे से बेपरवाह है क्योंकि उसे केवल अपना मिशन पूरा करने की परवाह है। वह बर्न्स को उसके दादा की तस्वीर दिखाता है उसे आने के लिए मनाने के लिए। अगले दृश्य में हीरो अपनी कार में ईंधन भरता है और घोस्टलैंड छोड़ देता है। वह बर्न्स के चेहरे से पुतला हटाता है, चेहरे से पूछती है और उसे अपने सूट को निष्क्रिय करने के लिए कहती है। ये पता चला है कि राज्यपाल ने शरीर को इंजीनियर किया है। ऐसे तरीके से सूट बनाओ कि इसे बर्न्स की आवाज से निष्क्रिय किया जा सके। दुर्भाग्यवश वह जवाब नहीं दे सकती क्योंकि वह अभी भी सदमे में है। इस समय हीरो अनजाने में अपने सूट का एक विस्फोटक सक्रिय कर देता है। विस्फोटक इसके परिणाम स्वरूप एक अंडकोश की हानि होती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह खुद को उस दिन वापस पाता है जब उसने और उसके साथी ने बैंक डकैती का प्रयास किया था, जहां साइको ने अपनी बंदूक कैंडी बच्चे पर तान दी है। हीरो छोटे लड़के को बचाने की कोशिश करता है लेकिन साइको गोली चला देता है जिससे गोली बंदूकधारी को लगती है। हीरा अपने दोस्त को शांत करने की बुरी तरह कोशिश करता है लेकिन बाद में एक गार्ड और कैंडी किट को मार डालता है। जल्द ही दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वे कांच की खिड़की से टकरा जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है और मनमाने ढंग से साइको पर गोलीबारी शुरू कर देती है, लेकिन वे अंत में उसे मार देते हैं। अभी एक आदमी लड़की के पास आता है और उसके बालों को सहलाता है। वर्तमान में वापस हीरो को एहसास होता है कि बर्न्स वही छोटी लड़की है जिसकी माँ को गोलीबारी में मारा गया था। पता चलता है कि गवर्नर वही था जिसने यह सब किया। नायक फिर बर्न्स से माफी मांगता है, हानि और मुक्त करने का वादा करता है, उसे भूतों की भूमि से बचा ले। अचानक धुआं उठने लगता है और भूत उसमें से उभरते हैं। ये उत्परिवर्ती पुरुष ज़ॉम्बी जैसे प्राणी प्रतीत होते हैं जो मानव रक्त के प्यासे हैं। खून। वे हीरो पर हमला करना शुरू कर देते हैं और अफरा तफरी के दौरान उसके हाथ पर लगे एक और विस्फोटक से विस्फोट हो जाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। विस्फोट की आवाज सुनकर हमलावर जल्दी से गायब हो जाते हैं। हालांकि विस्फोट बर्न्स को अपने कैटाटोनिक अवस्था से बाहर लाने में सफल होता है। यह प्रकट होता है कि वह राज्यपाल की असली पोती नहीं है लेकिन उसके विश्वासघाती शासन का केवल एक कैदी, ठीक उसी तरह जैसे उससे पहले कई अन्य। इस बीच हीरो को एक और दृष्टि होती है जहां वह घोस्टलैंड के लोगों के बीच खड़ा होता है। एक महिला बताती है कि यह क्षेत्र एक बार एक रासायनिक कारखाना था जिसे गवर्नर द्वारा चलाया जाता था, जहां परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाता था। एक दिन परमाणु कचरा परिवहन और एक जेल बस के बीच एक विनाशकारी टकराव के परिणाम स्वरूप अत्यधिक अस्थिर परमाणु कचरे का विनाशकारी फैलाव हुआ। इस क्षेत्र को क्वारंटाइन कर दिया गया और निवासियों में सुधार हुआ। अंततः भूख और अकाल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस उजाड़ क्षेत्र के भीतर समुराई टाउन नामक बस्ती है जो कुख्यात गवर्नर द्वारा शासित है। महिला फिर समझाती है कि जो कोई भी इस क्षेत्र से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। जब हीरो रास्ता पूछता है तो वापस आता है। महिला उसकी सच्ची मंशा को स्वीकार करती है और उससे कहती है कि वह सभी को बचा सकता है अगर वह लड़की की मदद करता है। तो वह मानती है कि वह बर्न्स को बचाने आया है और उसके पास उन्हें मुक्त करने की शक्ति है। जब हीरो होश में आता है तो भूतों की भूमि में पहली बार प्रवेश किया तो एक अवशेष देखा। मंदिर के निवासी बेचैन आत्मा है उन लोगों का जो विनाशकारी घटना में मारे गए थे। द घोस्टलैंड चालू है। मृतकों का क्षेत्र जैसा कि व्हाइट द्वारा सुझाया गया है, सफेद पट्टियां, परीपंख जैसे कंधों वाले वेशभूषा और क्षेत्र में रखे गए कई पुतले। किरो और बर्न्स इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि वे रूपक रूप से आधे मृत हैं। बर्न्स सरकार के भावनात्मक आघात से खुलासा होता है कि घोस्टलैंड आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है बल्कि एक अंतराल है जो बेचैन आत्माओं की आत्माओं को फंसाता है। ये सब जानने के बाद हीरो जिद्दी हो जाता है। उन्हें बचाते ही उसका सूट डिवाइस बीप करने लगता है। जैसे ही ये अंतिम उल्टी गिनती के करीब आता है बर्न्स स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उस पर विश्वास करना शुरू कर देती है। फिर वह उपकरण के पास रेंगती हुई कहती है, मैं बर्न्स हूँ, सूट में विस्फोटक पदार्थों को निष्क्रिय कर दिया जा रहा है। फिर दृश्य बदलता है और गवर्नर के लोग स्टेला के साथ लौटते हैं जिसने भी बर्न्स के साथ भागने का प्रयास किया था। सजा के रूप में समुराई या सुजीरो तेजी से अपनी कटाना निकालता है और बर्न्स को मार देता है। वह उसे मार देता है। भूतलैंड में हीरो सभी निवासियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उसने अपने सपने में क्या देखा। फिर वह गवर्नर की टीम के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भूतलैंडर्स को प्रेरित करता है। समुराई टाउन में एक सेल में एक महिला यासुजीरो से बात करती है। उसे याद दिलाती है कि गवर्नर ने वादा किया था कि अगर उसने आदेशों का पालन किया तो उसे रिहा कर देगा। वह सवाल करती है कि क्या उन्हें वफादार रहना चाहिए। विद्रोह। फिर यह खुलासा होता है कि यासुजीरो की बहन भी गवर्नरों में से एक है। भूतों की भूमि में वापस हीरो हर किसी को घोषणा करते हैं कि वे अगले दिन छोड़ देंगे। उनके बयान का मजाक उड़ाया जाता है लेकिन एनोक उनका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि उन्हें साथ में लड़ना चाहिए। एक दूसरा हीरो फिर रेड्समैन से
से कुछ आपूर्ति जिसमें एक हेलमेट और एक हथियार शामिल है मांगता है। अचानक वे म्यूटेंट्स और उनके नेता द बर्न्ट का सामना करते हैं। नाउ हीरो तुरंत ही नेता को अपने पुराने दोस्त साइको के रूप में पहचान लेता है, जो उन कैदियों में से एक था जो परमाणु से टकरा गई बस में था। के दौरान एक आग लग गई जिससे कैदियों को जलने और पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परमाणु प्रतिक्रिया के कारण अन्य झोंबी जैसे जीवों में परिवर्तित हो गए। कुछ अपनी चोटों के कारण तुरंत मर गए, जबकि साइको ने गंभीर जलन झेली। वह हीरो से पूछता है कि उसने उसे क्यों धोखा दिया और उसे पीछे छोड़ दिया। हीरो जवाब देता है कि साइको का नियंत्रण खोना शुरू हो रहा है और वह सभी के आसपास आक्रामक हो रहा है। उसने उम्मीद खो दी है, उस पर भरोसा जब उसने बैंक के दौरान निर्दोष लोगों की जान ली, डकैती। इससे दोनों साथी अपनी गलतफहमी को दूर करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तब साइको दावा करता है कि राज्यपाल एक शिकारी है और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसे मारना होगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गवर्नर लोगों को अपना सामान्य निंदा फैलाते हुए। वह आत्मविश्वास से दावा करता है कि वह शहर की शांति के पीछे का कारण है। ठीक उसी समय हीरो और बर्न्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जिससे हर कोई चौंक जाता है। हीरो फिर अपने सूट को हटाने के लिए कहता है, लेकिन दुष्ट गवर्नर मना कर देता है। वह इसके बजाय अपने आदमियों को दोनों दुश्मनों को खत्म करने का आदेश देता है। क्षण में हीरो बर्न्स को बंधक बनाने का नाटक करता है। इससे सूजी, जो गवर्नर के दुर्व्यवहार से आहत है, गार्डों के पास से चुपचाप गुजरने के लिए प्रेरित होती है। वह पास की एक मशीन गन पकड़ लेती है और ये अधिकांश भ्रष्ट लोगों को मार देता है जिन्होंने गवर्नर को निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने में मदद की। लेकिन उसे भी गोली लग जाती है और वह घायल हो जाती है। इस बीच हीरो अपनी पूरी ताकत से गुंडों से लड़ता है, उपयोग करते हुए चूहामन द्वारा दिए गए हथियार। वह एक एथलेटिक कराटे फाइटर भी प्रतीत होता है। बर्न्स घायल सूजी को लेकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का प्रयास करती है। गार्ड्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन बर्न्स की मदद से वे भागने में सफल होते हैं। हीरो और यासुजीरो के बीच शुरुआत में समुराई हीरो को हरा देता है, जिसके शरीर पर कई छोटे हैं। एक निर्दयी द्वंद्व के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और अपने हथियार नीचे रख देते हैं, लेकिन यह यासुजी की चाल साबित होती है। वह जल्दी से अपना हथियार निकालता है और हीरो पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि बाद वाले ने पहले ही चाल की भविष्यवाणी कर ली थी, इसलिए वह जमीन से एक कटाना उठाता है और मारता है। इस बीच गवर्नर सूजी से माफी मांगने आते हैं, लेकिन वह चतुराई से हीरो के बॉडी सूट की चाबी ले लेती है। उससे जब वह प्रतिशोध लेता है तो बर्न्स उससे बदला लेने के लिए उसे कई बार गोली मारती है, जिससे अंत हो जाता है उसके अत्याचार का अंत। कट्टरपंथी शासन। हीरा फिर सूजी से चाबी लेता है और अंत में अपने सूट पर लगे उपकरण को अनलॉक कर देता है। राज्यपाल के अंत में मारे जाने के बाद एक बच्चा जो कौवे के रूप में कपड़े पहने हुए है भूत भूमि की जांच करने के लिए लौटता है। समय के साथ घड़ी टॉवर गिर जाता है और दृश्य अचानक काला हो जाता है। फिर मूवी समुराई टाउन में एक बस स्टॉप पर बैठे हीरो बर्न्स और सूजी को दिखाती है, जबकि बाकी के नगरवासी अपने दैनिक काम में व्यस्त रहते हैं। हीरो उत्साहित होकर कहता है, समुराई टाउन शानदार होने वाला है, एक खूबसूरत जगह। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।